हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्क्विरल। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था थ्री क्वेश्चंस वो कंप्लीट कर लिया बेटे। ये है द स्क्विरल। स्क्विरल मतलब ये फोटो बनी हुई है, देखो इमेज आपकी बुक में भी दिखाई दे रही है आपको। ये ट्रीज के ऊपर घूमता रहता है, चूहे जैसा जानवर जिसकी पूंछ काफ़ी हैवी होती है। पूंछ मतलब टेल, ये देखो टेल दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये टेल है ना। तो इसको स्क्विरल बोलते हैं पंजाबी में, इसको काटो हिंदी में भी, हिंदी में गिलहरी बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो हमारा पोइट है, पोइट का नाम है मिल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने इसके ऊपर ये एक छोटी सी कविता लिखी है, पोइम लिखी है। देखो कितनी ही है, केवल इसके अंदर 6 लाइंस की पोइम है ये, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ उन्होंने जो नोट किया है गैलरी में उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो आओ पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से बाद में इसको अपने पढ़ना भी है, ठीक है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ही वोर अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का निशान कैसा होता है ऐसा। तो अब ये देखो टेल के ऊपर अगर चलाते हैं तो टेल के ऊपर भी देखो पूरा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, सेम लग रहे हैं ना देखो। तो यही कह रहे हैं वो कि गिलहरी जो है, स्क्विरल जो है, स्क्विरल स्क्विरल ने क्या बना रखा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है अपनी टेल के ऊपर, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। और ये देखो ये वाला, इसके ऊपर जो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं वो कैसी हैं, जैसे उसने एक कोट पहना हो स्ट्राइप्स वाला, ठीक है, बड़ा सा कोट। ही सेट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा बैठ जाता है, टू ईट ए नट। उसको जब भी कुछ खाने को मिलता है स्क्विरल को, तो वो अपने दोनों हाथों से पकड़ के सीधा बैठ के खाता है स्ट्रेट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। टीज मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, तो वो किसी को छेड़ छेड़ के ऐसे भागता है, उसको ये अच्छा लगता है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, इफ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके जिस कहते रहता कहाँ पे है वो, पेड़ के ऊपर, तो अगर हम उसके पेड़ के आसपास दौड़ना शुरू करते हैं तो फिर क्या करता है वो, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी ओर भाग जाता है, ठीक है। ही वेंट द अदर, वो दूसरी ओर भाग गया, क्लियर। तो ये इसकी छोटी सी कविता है, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे। अब बेटे देखो कई दफ़ा क्वेश्चन आते हैं, राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से निकल रहे हैं, देखो ग्रे प्ले वे, ठीक है। ये जो राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं एक एक लाइन के बाद छूट के आ रहा है देखो, तो ये इसके अंदर एक रस पैदा कर रहा है, ठीक है, टेस्ट पैदा कर रहा है इसका, एक अच्छा पोइम लग रही है। और ये लिखी किसने है, माइल्ड रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, माइल्ड रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने आपको साथ साथ हिंदी में बता दी हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स साथ ही भेज रहा हूँ पीडीएफ, वहाँ से आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। बाय बेटे।